हेलो एवरीवन सो दिस इज द सेकंड मेन्स क्विक फैक्ट बेस्ड वीडियो एंड इन दिस वीडियो विल कवर ऑल सच फैक्ट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स ठीक है और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये अभी तो मेंस में हेल्प करेगा ही और ये ऐसा नहीं है कि केवल अभी के लिए ही है वी कैन से कि इफ़ यू वॉन्ट इन एंसर राइटिंग सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी यू कैन एड ऑन ठीक है तो ये जो डेटा रहता है आप एंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो एंड वंस again it is very important for the bpsc and एस सी एंड ठीक है ये ऐसे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ये है ना कि ऐसे कुछ कुछ जैसे रैंकिंग्स हो गए हैं और uh, इंडिया का क्या रैंकिंग रहा है ठीक है अलग अलग uh, जो इंस्टीट्यूशन रिलीज करते हैं डेटा ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर का टॉपिक में हम लोग देखेंगे तो वो भी यहाँ से क्विक फैक्ट में ये हमारे एज वी कैन से कि ये वन लाइनर के जैसा है ठीक है तो चलो हम लोग इसको कवर करते हैं आज आई होप कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए देन यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स नाउ स्टार्ट ठीक है Now, uh, start, तो ये जो है अभी हम लोग इसमें देखेंगे और इसे बहुत कम समय में हम लोग कवर कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहला है स्नैपशॉट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आप यहाँ पे कंटेंट देख पाओगे एंड एम्प्लॉयमेंट लेवर एंड स्किल डेवलपमेंट में रैंकिंग क्या रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फिजिकल पॉलिसी में बैंकिंग पेमेंट सिस्टम फाइनेंशियल मार्केट में एक्सटर्नल सेक्टर्स एग्रीकल्चर ठीक है इंडस्ट्री सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग एनर्जी एंड इनोवेशन एंटरप्रन्यर्स ठीक है तो ये सारी चीज़ को हम लोग कवर करेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में सो so, तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है कुछ जीडीपी रिगार्डिंग uh, ठीक है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेशनल जीडीपी जो है अभी अभी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के करेंट प्राइस से देखा जाए तो अप्रोक्स टू नाइनटी थ्री पॉइंट नाइन जीरो लैख करोर का है ठीक है इसका एस्टीमेट किया गया है नेशनल जीडीपी बट रियल जीडीपी अगर हम लोग बात करते हैं एट कॉन्स्टेंट प्राइस तो इसका एस्टिमेशन है वन सेवेंटी टू पॉइंट नाइन जीरो लाख करोड़ ये बेसिकली मेन्स में यूज कर सकते हो ऐसे तो ऑनलाइन कभी ऐसा पूछा नहीं जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको पता है कि रियल जी जो होता है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहता है ठीक है और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहता है बट अगर हम लोग नॉमिनल जी का बात करते हैं तो नोमिनल डी में ये current price और रहता है है ठीक तो तो से हम 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 लोग 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 समझ सकते हैं हैं सी अगर बात करते अभी अभी के के सब इसी देखेंगे कुछ कुछ ऐसे डेटा रहेगा जो अलग रहेगा तो ठीक uh, uh, है बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट uh, यहाँ पे रजिस्टर हुआ है ठीक है और इंपोर्ट का अगर बात करते हैं तो इंपोर्ट ओवरऑल डिक्लाइन किया है तो बात है जब इम्पोर्ट डिक्लाइन होता है तो ये थोड़ा सा एक अच्छा इंडिकेशन uh, रहता है ठीक है क्योंकि एक्सपोर्ट से तो ओवरऑल बेनिफिट uh, होता है और इसमें देखा जाए तो डिक्लाइन हुआ है एट फिफ्टी थ्री पॉइंट एट बिलियन का ठीक है और नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी अभी ये पूछा जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये थ्री पॉइंट टू परसेंट से डिक्रीज हुआ है ठीक है और जो कि अगर हम लोग ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का बात करें तो फोर पॉइंट वन परसेंट था एटी वन पॉइंट सिक्स परसेंट जो है ये पब्लिक डेट टू जी डी पी रेशियो है ठीक है और ये फाइनेंशियल ईयर इतना का ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं जब आप बेसिक पढ़ते होंगे तो वहाँ से डेप टू जी डी पी रेशियो ठीक है डेप टू जी डी पी रेशियो पता चलता है जिसमें कि बेसिकली ये होता है कि नेशन का कितना डेप्ट है ठीक है ओवर दी Uh, अभी जो अपना ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं तो इसमें बेसिकली ये रहता है कि अगर जितना कम आपका डेप टू जी रेशियो है उतना किसी कंट्री के लिए बेटर रहता है तो हाइयर जो डेप टू जी रहता है वो सही नहीं है बट अगर लोअर डेप टू जी रेशियो है वो कंट्री के लिए सही रहता है तो इतना समझ सकते हो बस बेसिक है परसेंटेज ऑफ द पुअर जो है अभी uh, एक तरह से बोल सकते हैं कि uh, इसमें ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है ये टू थाउजेंड फिफ्टीन टू इतना परसेंट देखने को मिल रहा है बेसिकली यहाँ पे बात हो रहा है कि ओवरऑल जो पुअर का परसेंटेज है वो कम हुआ है ठीक है 25 परसेंट था 2015-16 में जो कि 15 परसेंट हो गया ठीक है, है और अराउंड 135 मिलियंस पीपल जो थे वो पॉवर्टी से भी बाहर आए हैं तो ये चीज़ यहाँ समझ सकते हो नाउ नेक्स्ट इंप्लॉयमेंट लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट से uh, कौन कौन सा हमारे लिए फैक्ट इंपोर्टेंट है तो इसमें इम्प्लॉयमेंट का अगर हम लोग देख लें तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये थ्री पॉइंट वन परसेंट था ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ठीक है और uh, जो uh, और इसमें भी अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसमें देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू रूरल ये फाइव पॉइंट टू परसेंट अर्बन का है और रूरल रेट देखें तो टू पॉइंट फोर परसेंट है ये पीयोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग ये डेटा हम लोग को यहाँ से पता चलता है अब हम लोग देख लेते हैं ये भी है पीडोडिक लेबर फोर्स सर्वे ट्वेंटी के अकॉर्डिंग कि जो वीमेंस लेबर जो है ठीक है ये उनका उनका पार्टिसिपेशन फोटी है ठीक है तो ये इसके अकॉर्डिंग 2023 ट्वेंटी इसमें एक और चीज़ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से पता चलता है कि जब तीन अनएम्प्लॉयड पीपल में एक ऐसा लोग व्यक्ति है जो कि यंग कैटेगरी में है ठीक है तो ये भी यहाँ से समझ सकते हो एम्प्लॉयमेंट uh, रेशियो का अगर हम लोग बात करते हैं वीमेंस का तो इंडिया में भी uh, जो है एक कम एवरेज पे दिखाया गया है ठीक है तो ये चीज़ इसका डेटा पता चलता है वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया ठीक है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अबाउट फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट जो है टोटल वर्क फोर्स ये इंगेज है एग्रीकल्चर में तो ये चीज़ जो है एग्रीकल्चर का टॉपिक में मेन्शन कर सकते हैं ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है ठीक है और एलाइट सेक्टर में भी ऐसा बताया गया है ये ट्वेंटी टू ट्वेंटी में स्किल डेवलपमेंट में कुछ हम लोग डेटा देख लेते हैं लाइक इन इंडिया ओनली अराउंड फाइव परसेंट जो वर्क फोर्स है ये स्किल्ड है और फिफ्टी टू परसेंट देखा जा रहा है यूएस में है ठीक है इन कंपेरिजन टू यूएस बताओ यहाँ पे इंडिया में फाइव परसेंट ही है और साउथ uh, कोरिया में तो और भी ज़्यादा है नाइन्टी है तो ये समझ सकते हो इंडिया uh, uh, जो है अभी इंटर्ड किया है इट्स थर्टी सेवन ईयर लॉन्ग डेमोक्रेटिक डिपेंडेंट पीरियड जो कि दो uh, से इतना इसके टू फाइव ठीक है 2055 के बीच में चलेगा तो ये चीज है एक तरह से ओनली फिफ्टी पॉइंट थ्री परसेंट इंडिया जो है इंडिया का जो एजुकेटेड पीपल है वो इंप्लॉयबल है ठीक है मतलब समझ लो अप्रोक्स हाफ Uh, ये पता चलता है इंडिया स्किल रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अकॉर्डिंग तो कितना भी जरूरी है स्किल देना क्वालिटी ऑफ जॉब इज़ ऑन डिक्लाइन ठीक है तो क्वालिटी ऑफ जॉब जो है डिक्लाइन हुआ है ये पता चलता है पीरियडिक लेबर फोर्थ सर्वे के अकॉर्डिंग अब हम लोग देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फे क्या क्या है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हम लोग देखते हैं इंडिया जो है ये रिकॉर्ड क्या है रियल जी ग्रोथ ऑफ सेवन ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है और ये जो है ये अप्रैल जून का पीरियड का है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का ये ये भी ये बताया जा रहा है कि पिछले जो क्वार्टर था उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है सेवन पॉइंट एट परसेंट इन एब्सोल्यूट टर्म अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी में जो है अभी बढ़ा है ये थर्टी लाख करोड़ से ठीक है जो कि इसका बेस बेस ईयर लिया गया है टू थाउजेंड का तो यहाँ से ये समझ सकते हो इंडिया का ग्रोथ सेविंग रेट जो है अभी ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन परसेंट देखने को मिल रहा है जीएनडीआई के अकॉर्डिंग ठीक है ग्रोथ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और ये है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री फाइनेंशियल ईयर में जो कि हाउस होल्ड फॉर्मिंग जो है नाइन परसेंट है नेक्स्ट uh, है इंडिया जो है नेट फाइनेंशियल सेविंग ये डिक्लाइन किया है फाइव पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ जीडीपी से ठीक है तो ये चीज़ है ये थोड़ा सा तो जरूरी है सेविंग करना किसी भी ऐसे ये फाइनेंशियल ईयर भी लिया गया है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का और एवरेज था अगर हम लोग बात करते हैं थर्टीन और ट्वेंटी टू में तो एट परसेंट है तो ये चीज़ यहाँ से समझ सकते हो अगर हम लोग बात कर लें फोर्टी पॉइंट वन परसेंट ऑफ जी डी जो है एट फोर्टी वन पॉइंट वन परसेंट जी डी स्टॉक ऑफ हाउस होल्ड डेब्ट जो है इंडिया में रिलेटिवली अभी कम देखने को मिला है ठीक है जबकि अगर हम लोग बात करते हैं ये ई एम ई के अकॉर्डिंग ठीक है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स इंडिया हाउस होल्ड डेब्ट टू जी डी रेशियो जो है वन ऑफ द लोवेस्ट है ठीक है इन द वर्ल्ड तो अच्छा एक तरह से बोल सकते हैं थोड़ा कोई भी इसमें ना इकोनॉमी में यही होता है कि अगर कुछ भी लो है वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है हाई हो जाता है वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ये चीज़ यहाँ पे समझ लेना अगर हाई इन्फ्लेशन होता है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ज़्यादा लो इन्फ्लेशन हो जाएगा मतलब डिस इन्फ्लेशन तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तो ये चीज़ यहाँ से पता चलता है जो कि इस्टीमेट किया गया है एंड मार्च तक था सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट का एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजशन एक्सपेंडिचर जो है ये है इंक्रीज हुआ है टू थाउजेंड के अकॉर्डिंग ठीक है ह्यूमन डेवलपमेंट अब देखो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया का रैंकिंग ऐसे पूछा जाता है वन लाइनर में भी कि इंडिया का रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है अभी अभी इंप्रूव हुआ है लाइक वन थर्टी फोर आ गया है और जबकि वन नाइन्टी थ्री था ठीक है तो मतलब वन नाइन्टी थ्री में से वन थर्टी फोर रैंक है ऐसे ये था आपका ट्वेंटी ट्वेंटी टू में और ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन में था वन थर्टी फाइव तो थोड़ा सा ऊपर गया है अब देखो लाइफ एक्सपेंडेंसी एट बर्थ का हम बात करते हैं तो इंप्रूव हुआ है ठीक है सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन ईयर्स ये जो है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जबकि सिक्सटी सेवन पॉइंट टू ईयर ही था ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग अभी जो है ये स्कूलिंग में भी इंक्रीज देखने को मिला है ट्वेल्व पॉइंट सिक्स ईयर्स yes, और ये पहले इतना था एलेवन पॉइंट नाइन ईयर्स मिन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है इंक्रीज हुआ है सिक्स पॉइंट फाइव सेवन ईयर्स से अब देख लो ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा ये इंप्रूव हुआ है बेसिकली और ये भी मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना बाकी सब सब पॉजिटिव ही दिख रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वन थर्टी फोर रैंक जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है ये चीज़ ध्यान रखना और हाँ एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आ, 2022 के अकॉर्डिंग जो है इंडिया का इनक्वालिटी इंडेक्स ये फोर्टीन प्लेस पे देखने को मिलता है ठीक है और रैंक है इसका एक सौ आठ तो ये समझ सकते हो अर्बन पोवर्टी हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो है मोर देन टू थर्टी मिलियंस पीपल जो है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है ठीक है इंडिया में तो इतना समझ सकते हो ये है ट्वेंटी के अकॉर्डिंग और सेवेंटी परसेंट अर्बन हाउस होल्ड जो है ये स्लम डिवेलर्स हैं ठीक है और ये पता चलता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पोवर्टी एलिविएशन के अकॉर्डिंग तो इतना स्लम्स में रहते हैं सेवेंटी परसेंट अरबन में और कंटिन्यूड माइग्रेशन प्रोसेस विद द अर्बन पॉपुलेशन जो है अभी बढ़ा है फाइव नाइन्टी मिलियन से जो कि ट्वेंटी थर्टी से पता चलता है बेसिकली ये एक एस्टिमेशन है और कि ट्वेंटी थर्टी तक इतना हो जाएगा अर्बन पुल एंड रूरल फूड फैक्टर ये दोनों एक मैटर करता है जिसके कारण माइग्रेशन होता है लोगों के बीच में फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात करें तो फोर्टीन पॉइंट सेवन बैंक ब्रांचेज जो हैं ये uh, इसमें लेकिन इसमें यहाँ पे ना ज़्यादा देखने को ये ट्वेंटी ट्वेंटी के अकॉर्डिंग है कि इतना सारा बैंक ब्रांचेज जो है इंक्लूजन आ, हुआ है ठीक है तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि जर्मनी और, का बात करते हैं चाइना और साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा यहाँ पे है फिफ्टी करोड़ प्लस पी एम जे डी वाई अकाउंट विद द ओवर जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसका बात यहाँ पर हो रहा है तो फिफ्टी फाइव परसेंट अकाउंट जो है ये विन का है इसमें तो ये भी अच्छा चीज़ है वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी एग्जाम्पल ये दिया जा सकता है बॉटम फिफ्टी परसेंट ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है जस्ट टू परसेंट ऑफ वेल्थ और एट परसेंट ऑफ इनकम इनकम का है ठीक है तो ये पता चलता है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट ट्वेंटी टू के अकॉर्डिंग बस यही है और 2021 का अगर हम बात करें तो 49 नाइन परसेंट ऑफ द इंडियन एडल्ट मेन जो है इनका अपना स्मार्टफोन है जबकि 26 सिक्स परसेंट वीमेन के पास है ठीक है तो ये चीज़ है थोड़ा सा डिस्पैरिटी देखने को मिल रहा है और वर्ल्ड uh, बैंक जो है ये इस्टीमेट किया है कि 10 परसेंट इंक्रीज़ इन फिक्सड ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन जो कि इंक्रीज करेगा जी डी पी ग्रोथ में ठीक है तो ये यह चीज़ यहाँ से समझ सकते हो अर्बन प्लानिंग हम लोग देख लेते हैं इंडिया जो है अभी प्रेजेंट थर्टी फाइव परसेंट जो है अर्बन एरियाज में आता है और जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा कि 53 है कि फिफ्टी थ्री परसेंट हो जाएगा ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक ओबियस बातें बढ़ रहा है लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं अपना रूरल से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर रहे हैं ठीक है एज पर देंसर अगर हम लोग टू थाउजेंड इलेवन का बात करते हैं तो फोर्टी परसेंट इंडियाज़ का अर्बन पॉपुलेशन जो है ये टायर टू और टायर थ्री सिटीज़ में रहते हैं ठीक है तो ऐसा ऐड कर सकते हो अर्बन स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो केवल अट्ठाईस ऐसे सिटीज़ हैं जो रिसीव करते हैं हंड्रेड परसेंट ऑफ दियर शेयर्स ऑफ फंड ठीक है फ्रॉम स्टेट्स एंड यू तो अट्ठाईस सिटीज़ ये ध्यान रख सकते हो टिल दिसंबर 2023 का बात किया जा रहा है कि आउट ऑफ सेवन थाउजेंड नाइन सेवेंटी प्रोजेक्ट ये जो है टेकन अप बाय द स्मार्ट सिटीज ठीक है जिसमें कि सिक्स फोर वन नाइन प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है विद द मदुरई बीइंग ओनली द स्मार्ट ओनली द स्मार्ट सिटी ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते मदुरई है इसमें अब हम लोग देख लेते हैं हाउसिंग पे क्या है तो हाउसिंग में देखा जा रहा है कि थ्री करोड़ एडिशनल रूरल एंड अर्बन हाउसेस जो है ये अनाउंस किए हैं जून में ठीक है ये जून 2024 ट्वेंटी फोर में ये जो पीएम आवास मिलता है ठीक है अर्बन और रूरल के लिए तो एक करोड़ जो हाउस है ये अर्बन के लिए किया जा रहा है ठीक है जिसमें कि 75 फाइव लैक्स जो हाउस हैं वो कंप्लीट हो चुका है एंड टू करोड़ जो है ये रूरल के लिए है जिसमें कि 2.29 करोड़ ये कंप्लीट हो चुका है अराउंड फोर पॉइंट हाउसिंग यूनिट्स जो है ये अभी इंस्टॉल्ड है ठीक है ये एन के पता चलता है फोर्टी फोर परसेंट इन एनसीआर तो ये चीज़ यहाँ से ये है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना इसमें देखा जाए तो अर्बन अर्बन का अगर हम लोग बात करते हैं तो अराउंड फाइव पॉइंट सिक्स टू हाउसेज जो हैं ये डिलीवर नहीं कर रहे हैं बेनिफिशरीज को ठीक है तो क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक इम्यूनिटीज़ जो है इसके कमी के कारण ये इनको डिलीवर नहीं हो पा रहा है लैक रिकॉर्ड और मॉडर्नाइजेशन लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन का बात कर लेते हैं तो लैंड रिकॉर्ड में ओबीएस बात है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में पूछा गया था लैंड रिकॉर्ड से लेकर के वो जो स्कीम आया है उसके ऊपर ठीक है तो नाइन्टी फाइव पॉइंट जीरो नाइन परसेंट विलेज जो हैं ये कम्पलीट कम्पलीटेड है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड से मतलब जो लैंड रिकॉर्ड होता है डिजिटली उस चीज़ का यहाँ पर बात हो रहा है ठीक है रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स ये पूछा गया था ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के प्रियम्स में तो समझ सकते हो इंपोर्टेंस सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द टेस्ट्रल मैप जो है ये डिजिटाइज हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है 1.15 हैक्टेयर का है ये एवरेज फ्रॉम द साइज इन इतना तो ये भी इसमें कवर हुआ है मतलब बेसिकली 1.15 पॉइंट हेक्टेयर का ही जो था ये टू थाउजेंड टेन के अंदर में ये डिजिटाइज digit, uh, था ठीक है लेकिन अभी बड़ा है लेस देन टेन परसेंट जो लैंड है वो अभी नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में फिजिकल पॉलिसी पे हम लोग देख लेते हैं ठीक है ये गवर्नमेंट का जो फाइनेंसिंग है इस पर फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ जी जो है ये फिजिकल uh, डिफिसिट देखने को मिल रहा है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट जी डी पी का यह चीज ध्यान रख सकते हैं is, uh, किया गया है कि किया वन पॉइंट सिक्स परसेंट पब्लिक डेप्टु जी डी पी रेशियो देखने को मिलेगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के अकॉर्डिंग विच इज हाई ठीक है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट जो है ये कंबाइंड डेप टू जी डी पी रेशियो है स्टेट्स एट एंड मार्च ये इतना एंड मार्च तक पता चल रहा है ठीक है तो डेटा अपडेट होते रहता है ना इस कारण से तो इस चीज़ को समझ सकते हो जब ऑल एकदम एग्जैक्ट एक पॉइंट में नहीं भी लेको तो अराउंड भी अच्छा रहता है कि हाँ अराउंड ट्वेंटी सेवन परसेंट सिक्सटी परसेंट ऑफ डेप टू जी डी रेशियो जो है ये फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा जो कि ऑबियस बात है अभी तो एटी वन पॉइंट समथिंग है अगर जितना ज़्यादा रहेगा उतना सही नहीं रहता है इकोनॉमी में तो ये चीज़ यहाँ से पता चलता है स्टेट्स कंसोलिडेटेड ग्रोथ्स जो जी एफ डी एंड जी डी पी है ग्रोस फिजिकल डिफिसिट टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है तो ये रेशियो जो है डिक्लाइन हुआ है फोर पॉइंट वन परसेंट जो था ये ट्वेंटी 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 वन में था जो कि टू पॉइंट एट परसेंट हो गया है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में स्टेट्स डिपेंडेंस ऑन नेट मार्केट बोरविंग का बात करते हैं तो डिक्लाइन हुआ है सेवेंटी सिक्स परसेंट से ठीक है जो कि बजटेड uh, जो जीएफडी है ठीक है ग्रोथ फिजिकल डिफिजिट ये इसके अकॉर्डिंग पता चलता है तो अभी बात है जब इसका मार्केट बोरविंग डिक्लाइन हुआ है तो हो सकता है कि अगर अपना स्टेट में ही बेटर कर रहा हो वहाँ से uh, ये टैक्स कलेक्शन अच्छे से हो रहा हो तो विच इज़ गुड ठीक है फिजिकल uh, डिफिसिट का हम लोग देख लेते हैं फिजिकल डिफिसिट ऑफ दूनियन यूनियन गवर्नमेंट जो है ये रिस्क किया है नाइन पॉइंट टू परसेंट ऑफ जी डी पी ड्यूरिंग पेंडेमिक ईय ठीक है एंड फिजिकल डिफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है ये मोडरेटेड टू फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ जी डी पी एम्स टू रीच अ फिजिकल डिफिजिट लेवल वेलो फोर पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ जी डी पी बाई ये चीज़ तो देखो ये फिजिकल डिफिसिट वो भी ऐसी बात है जितना कम रहेगा उतना सही है और ये इसको 4.5 परसेंट तक करने का ये चीज़ है कंबाइंड जीडीपी डी पी फिजिकल डिफिसिट ऑफ स्टेट्स का बात करते हैं तो ये इंक्रीज किया है ठीक है 4.1 परसेंट ऑफ जीडीपी इन द पेंडेमिक अफेक्टेड ईयर 21 के अकॉर्डिंग एंड बेसिकली जो कि इसको टू पॉइंट एट परसेंट से कम करना है डायरेक्ट टैक्सेशन देख लेते हैं तो इलेवन पॉइंट सिक्स परसेंट टैक्स टैक्स जी डी पी रेशियो जो है ये फाइनेंशियल ईयर से पता चलता है जो कि सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस है एंड फाइव परसेंट फॉर द इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जी डी पी रेशियो में इसका ये इन्वॉल्वमेंट है नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देख लें हम लोग तो ये फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के अकॉर्डिंग ये नाइनटीन पॉइंट फाइव एट लैक्स करोड़ जो है ये हुआ है ठीक है ओवरऑल जो कि ग्रोथ ऑफ़ 17.70 पॉइंट सेवन जीरो परसेंट से देखने को मिलता है नो नेक्स्ट कॉरपोरेट टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स जो है ये मेन कंट्रीब्यूटर है टू डायरेक्ट जी डी डायरेक्ट टैक्स में ठीक है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो होते हैं ठीक है तो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इनडायरेक्ट टैक्स ही पे करते हैं लाइक like किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं तो बट डायरेक्ट टैक्स उनके अकाउंट से या इनकम पे लगता है ठीक है तो इस चीज में देख, देखा जा रहा है तो कॉरपोरेट टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स जो है ये मेन कंट्रीब्यूटर है ठीक है इस चीज में वैसे भी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स वायंसी का बात करते हैं तो ये टू पॉइंट फाइव परसेंट इन इतना था जो कि हाईएस्ट था पूरे पिछले साल में ठीक है लेकिन देख लें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट जो है ये बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर एट इलेवन पॉइंट इलेवन लैक करोड़ ठीक है एंड इंक्रीज इन एंड इंक्रीज ऑफ इलेवन पॉइंटेंट ठीक है ओवरऑल तो ये चीज़ है अच्छा और इसमें है टोटल कैपेक्स ठीक है ग्रीव जो अभी अभी बढ़ा है ठीक है कैपेक्स केप, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है एवरेज रेट ऑफ थर्टीन परसेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर टू बारह एंड ट्वेंटी टू में तो ये चीज़ है ओवरऑल इंक्रीज हुआ है सेंटर्स कैपेक्स की बात करते हैं तो स्ट्रेडली इंक्रीज हुआ है फ्रॉम एन एवरेज ऑफ वन पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ जी जो कि जी थ्री पॉइंट फोर परसेंट ऑफ जी से बड़ा है ये फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के अकॉर्डिंग पता चलता है कैपेक्स वे द कॉर्पोरेट सेक्टर्स इंक्रीज़ किया है ट्वेंटी फाइनेंशियल ईयर में ठीक है तो यहाँ से एक और चीज़ देखो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कुछ ऐसे मटेरियल्स और इन्वेस्टमेंट हैं लाइक इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रिसिटी स्टील्स केमिकल ऑटो ठीक है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में अब बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पे हम लोग देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एंड पिलम्स पॉइंट तो बैंकिंग में क्या इसका रोल रहा है बिटवीन पॉइंट फोर परसेंट क्रेडिट ग्रोथ जो है फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये फाइनेंशियल ट्वेंटी टू ट्वेंटी में देखने को मिल रहा है फोर जो है ये ग्रोस एन जो है एन पी ए रेशियो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है तो ये है और इसमें है वन पॉइंट टू परसेंट नेट एन जो है ये देखने को मिल रहा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ठीक है तो ये चीज़ समझ सकते हो उसी तरह से है सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स परसेंट जो है ये पी है प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ एसिज इन सेप्टेम्बर तो ये इसमें सेवेंटी था तो ये सब पता चलता है सेप्टेम्बर ट्वेंटी में और एनअलाइज रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर पी जो है ये टर्न पॉजिटिव अभी ओवरऑल पॉजिटिव ही देखने को मिला है ट्वेंटी ट्वेंटी में और जो ट्वेंटी सिक्सटी में निगेटिव था ठीक है अब है एसेट्स क्वालिटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं तो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ये अभी कम हुआ है ठीक है थ्री पॉइंट नाइन परसेंट से अब सेक्टोरल सेक्टोरल शेयर्स ऑफ द एन जो है ये डोमिनेटेड है इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो पूछा भी जा सकता है किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एन देखने को मिल रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और डिस शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक ये जो है नाइन टेंथ है ऑफ एन अब है इंडिया जो है वन ऑफ द वोस्ट अफेक्टेड इकोनॉमीज इकोनॉमीज फ्रॉम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ टू तो इसका भी इम्पोर्टेंट ही है किस तरह से इंडिया जो है वोस्ट अफेक्टेड इकोनॉमीज है यूज़ बैकलॉग ऑफ थर्टीन थाउजेंड केसेज जो है ये अंडर इंसोलसी और बैंक क्रप्सी कोर्ट के अंदर पता चलता है विच इज़ विद द इंक्रीज इन एवरेज रिजोल्यूशन टाइम ठीक है और uh, ये है फ्राम द्री ट्वेंटी फोर टू सिक्स फिफ्टी थ्री डेज तो ये इसमें देखने को मिल रहा है कि इतना बैकलॉग केसेस अभी भी हैं पेंडिंग पेमेंट सिस्टम्स का बात कर लेते हैं अब हम हम लोग की एज पर द आर बी आई कैस अकाउंट फॉर द नियरली फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन इंडिया तो मतलब समझ सकते हो कि कैश अकाउंट का बात फिफ़्टी परसेंट से हो रहा है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है इंक्लूड कर सकते हैं इसमें तो फिफ्टी परसेंट ऑफ द इंडियाज़ डिजिटल पेमेंट और भी बात है फिफ्टीन परसेंट फिफ्टी परसेंट कैस अकाउंट है बाकी तो रेस्ट डिजिटल पेमेंट में ही है इस डोमिन और इसमें भी देखा जा रहा है तो डेबिट कार्ड से ज़्यादा हो रहा है देन पी पी आई से एंड आई एम पी एस से ठीक है जो ये ऑनलाइन बैंकिंग है

थ्री और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये टू नाइन्टी तक पहुंच जाएगा टू नाइन्टी ट्रिलियन डॉलर तक ट्वेंटी थर्टी में अब हम लोग देख लेते हैं कैपिटल मार्केट में कि कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ द साइज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डिकेट्स और इंडिया का रैंक इसमें फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट में है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है अब देख लेते हैं मनी रेज्ड बाय इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये ग्रेटर है ठीक है लास्ट डिकेड में बढ़ा है ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सपोर्ट सेक्टर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कुछ ऐसे पूछा जाता है इसमें इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट का बात करते हैं तो सेवेंटी सेवन पॉइंट टू विलियन टू टू बिलियन डॉलर था और उसी तरह से इंडिया शेयर वर्ल्ड एक्सपोर्ट में टू पॉइंट फोर परसेंट का है यहाँ से इंडिया का एक्सपोर्ट हम लोग बात करते हैं ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ इट्स जीडीपी देखने को मिलता है इंडिया सर्विस ट्रेड जो है ये मेजर है एक्सपोर्ट मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से सर्विस में ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हो इंडिया मर्केंडाइज का बात करते हैं तो इम्पोर्ट फ्रॉम द एफ टी ए पार्टनर्स ये अभी बड़ा है अराउंड थर्टी एट परसेंट ठीक है और बस यही है बाकी जो एफ का हम लोग बात करते हैं तो एफ जो है इंडिया में ऑल टाइम हाई रहा है ऑफ एटी फोर पॉइंट एट थ्री बिलियन इन ट्वेंटी वन ट्वेंटी डी एक्सपेक्टेड टू रीच 100 बिलियन ठीक है और बस यही है इंडिया सर्विस सेक्टर जो है अटैक करता हैस्ट ये, ये इसमें मतलब पूछा भी जा सकता है कि एफ सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है तो सर्विस सेक्टर में ठीक है और जो कि इनफ्लो ऑफ द सिक्सटीन पॉइंट थर्टीन परसेंट देखने को मिलता है मोरिशस सिंगापुर यू एस नीदरलैंड एंड जापान जो है इमर्ज मर टॉप फाइव फॉर द एफ डी इनफ्लो ठीक है इन uh, इंडिया in तो यहाँ से जो है इंडिया में इनका एफ ज़्यादातर देखने को मिला है इंडिया में और इंडिया में अगर हम लोग देख रहे तो एफ डी आई का इन्फ्लो ये डिक्लाइन हुआ है बाई थ्री पॉइंट फाइव टू फोर्टी फोर बिलियन ठीक है जो कि ये फाइनेंशियल ईयर में फाइव लास्ट में ये लो रहा है ये भी हो सकता है सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द टोटल इन बॉन्ड एफ डी आई जो है ये लिमिटेड टू थ्री स्टेट्स बेसिकली तीन स्टेट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है लाइक कर्नाटका में फिर महाराष्ट्र में एंड गुजरात में एफ डी आई सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ग्लोबल डेप्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ का बात कर लें तो ग्लोबल डेप पब्लिक जो है ये ऑल टाइम हाई देखने को मिला है ऑफ 97 ट्रिलियन का ठीक है जो कि टू uh, में 17 ट्रिलियन था 30 परसेंट ऑफ द ग्लोबल पब्लिक जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है एंड 54 डेवलपिंग कंट्रीज एलोकेट 10 परसेंट ऑफ द मोर गवर्नमेंट रिवेन्यू ठीक है ये इंटरेस्ट पेमेंट में देख लेते हैं कि मीडियम वैल्यू ऑफ द पब्लिक डेप्ट जी डी पी ये फॉल किया है पीक ऑफ दिक्सटी पॉइंट इन इतना टू बेसिकली ये फॉल ही किया है ट्वेंटी थ्री में इंडिया जनरल गवर्नेंस डेप्ट बात करते हैं तो ये एटी पॉइंट नाइन था ऑफ जी डी पी का अब देख लेते हैं एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर में ये पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर क्रेडिट में देखें तो एवरी वन परसेंट इंक्रीज देखने को मिला है एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोड्यूस में और जो कि जीरो पॉइंट टू परसेंट इंक्रीजेज इन एग्रीकल्चर जी डी पी तो बाकी है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ये होल्ड करते हैं एटी सिक्स परसेंट ऑफ द ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग और केवल फोर्टी वन परसेंट जो है ये ऐसे फार्मर हैं जो कि कवर करते हैं जो बैंक के द्वारा कवर किए गए हैं ठीक है तो ये फिफ्टी परसेंट ही समझ लो देर आर द मोर देन सिक्सटी फाइव थाउजेंट फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं अभी एंड ये अकाउंट करते हैं फोर्टी वन परसेंट तो किसान क्रेडिट कार्ड्स तो इतना किसान क्रेडिट कार्ड्स के अंदर ही इसमें आते हैं एग्रीकल्चरल मेकानिज़म का बात कर लेते हैं मेकानाइजेशन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन में क्या रोल है तो इंडियाज फार्म मेकनाइजेशन लेवल एट फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट देखने को मिला है ठीक है लाइक like, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यूनाइटेड स्टेट में नाइन्टी फाइव परसेंट है ब्राज़ील में सेवेंटी फाइव परसेंट है चाइना में इतना है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि जब अगर ज्यादा जो कंट्री मैकनाइज रहता है तो एग्रीकल्चर भी उतना उसका प्रोडक्शन भी अच्छे हाई लेवल पर होता है ठीक है इंडिया फार्म इक्विपमेंट मार्केट जो है ये जस्ट सेवन परसेंट होता ग्लोबल मार्केट देखने को मिलता is, uh, form, small, है विद द मोर देन एटी परसेंट ऑफ द वैल्यू कंट्रीब्यूशन ट्रेड सरप्लस इज इंडन ट्रैक्टर फॉर्म मशीनरी इज वेरी स्मॉल ठीक है तो ये भी यहाँ से समझ सकते हो इंडिया इज रेजिलिएंट ऑन लो ग्रेड इक्विपमेंट और इम्पोर्ट तो ये जो है थोड़ा सा अभी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अब लोग देखते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में इंडिया का अगर बात करते हैं तो ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ़ फ़र्टिलाइजर है एंड द सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमर तो ये पूछा जाता है जनरली हर एक एग्जाम में कि प्रोड्यूस प्रोड्यूस uh, कर रहा है फर्टिलाइजर थर्ड बट द कंज्यूमर कंज्यूमिंग में बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट है ठीक है ये ये चाइना के बाद चाइना फर्स्ट में आता है ठीक है कंजप्शन में और यूरिया जो है ये मोस्ट प्रोड्यूस्ड है ये एटी प्रोड्यूस किया जा रहा है और कंज्यूम किया जा रहा है सेवेंटी और मोस्ट इंपोर्ट इंपोर्ट भी किया जाता है फिफ्टी टू परसेंट ठीक है इंडिया फर्टिलाइजर मार्केट जो है ये प्रोटेक्ट किया गया है ये सी एच जी आर के अकॉर्डिंग ठीक है इलेवन पॉइंट नाइन परसेंट फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स का बात कर लें तो मोर देन इलेवन फार्मर्स जो है ये फाइनेंशियल बेनिफिट इनको प्रोवाइड किया गया अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट एट वन लैख करोर का ठीक है ये पीएम किसान के अंदर जो मिलता है वैसे भी जो पीएम किसान के अंदर जो एनुअल एनुअली जो तीन किस्त में दिया जाता है ठीक है थ्री इंस्टॉलमेंट में तो वो भी समझ सकते हैं यहाँ से ओवरऑल टू दो से दो पॉइंट पाँच परसेंट ऑफ जी जो है ये प्रोवाइड है सब्सिडी एनुअली इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर के रूप में ठीक है और क्रेडिट में क्रॉप इंश्योरेंस में एंड प्राइस सपोर्ट सब्सिडीज इस तरह से टू दो से दो दो पॉइंट पाँच परसेंट ऑफ जीडीपी इनको दिया जा रहा है फार्मर्स को वन फिफ्थ ऑफ द एग्री एग्रीगेट्स का अगर बात करते हैं फार्म इनकम इनकम में तो ये भी एक सब्सिडीज के फॉर्म में है फिफ्टी पॉइंट टू परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो है ये सम काइंड ऑफ डेप्ट में कहीं ना कहीं ये शामिल है तो इनका इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ द लोन जो है ये टेकन बाई द फार्मर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस लाइक एन एस एस ओ रिपोर्ट तो एन एस एस ओ रिपोर्ट से पता चलता है कि uh, इतना जो फार्मर है सिक्सटी परसेंट के अराउंड ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन सोर्स से ले रहे हैं इनमेंट ऑफ फार्मर्स अंडर पी एम ये क्रॉस किया है फोर्टी मिलियंस रिकॉर्ड ठीक है तो ये पता चलता है तो ठीक है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर फोर्टी मिलियंस आ रहे हैं ठीक है एलाइट सेक्टर में अब हम लोग देख लेते हैं तो थर्टीन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट ऑफ सी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ लाइव स्टॉक जो है ये सेक्टर स्टीरिंग अगर हम बात करें तो uh, से अभी बाईस में तो ये कंट्रीब्यूट किया है थर्टीन पॉइंट नाइनटीन परसेंट का ठीक है टोटल एग्रीकल्चर में ठीक है क्रॉस वैल्यू एडेड तो ये चीज यहाँ से पता चलता है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन जो है ये इंडिया में देखने को मिलता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है फाइव परसेंट ऑफ द नेशनल इनकम और इकोनॉमी में नेशनल इकोनॉमी में और इंप्लॉय करता है अप्रोक्स एट करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली ठीक है तो ये ट्वेंटी फोर के डेटा से पता चलता है थर्टी सेवन परसेंट ऑफ द इंडियाज टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स में ठीक है तो यहाँ से ये इंडिया इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर इंडिया फ़िश प्रोडक्शन जो है ये डबल देखने को मिला है ओवर द लास्ट पास्ट नाइन ईयर जो कि वन थर्टी वन लैख टन है तो यहाँ से ये समझ सकते हो कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीस में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स का अगर हम बात करते हैं तो सनराइज सेक्टर्स जो है विद द सेवन पॉइंट टू सिक्स परसेंट ऑफ ए ए जी आर और कंट्रीब्यूट करता है वन पॉइंट एट परसेंट ऑफ द टोटल जी वी ए इन द कंट्री और ट्वेंटी लैख एम्प्लॉयज़ जो है विद द ट्वेल्व पॉइंट टू परसेंट ऑफ द टोटल ये इंगेज है रजिस्टर्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर्स में और ट्वेंटी फोर परसेंट ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क आउट ऑफ फोर्टी वन जो है ये अप्रूव किया गया है तो ये भी ऑपरेशनल है इतना ट्वेंटी फोर परसेंट ठीक है शेयर ऑफ द प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट ये एग्रीकल्चर में देखें को ये इंक्रीज हुआ है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का बात कर लें तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो इंडिया में रजिस्टर है एट परसेंट से डिक्लाइन हुए हैं अभी इंडिया जो है ये नेट एक्सपोर्टर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का करता है और जो कि बिगेन हुआ था नाइन नाइनटी वन में शेयर्स ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का हम लोग बात करते हैं इन द इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड तो ये टू पॉइंट फोर परसेंट शेयर है इसका और साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में अगर हम लोग बात कर लें तो ये इलेवन पॉइंट नाइन परसेंट देखने को मिलता है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन देख लेते हैं तो एवरी रुपी इज़ इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि इन ईयरली इसका है थर्टीन पॉइंट एट फाइव परसेंट ईयरली ठीक है तो ये चीज़ यहाँ से समझने को मिलता है और कंटिन्यू टेक्नोलॉजी बैक स्टॉपिंग जो है ये इंक्रीज़ हुआ है जो कि ट्वेंटी टू ट्वेंटी से ये सीरियल्स में और पल्सेस में ट्वेंटी एंड थर्टी पॉइंट फोर ये स्पाइस में ट्वेंटी ट्वेंटी वन का अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इंडिया स्पेंड जीरो पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ एग जी डी पी एम एक्सटेंसन सर्विस तो एक्सटेंशन सर्विस में जीरो पॉइंट सेवन परसेंट जी डी पी का, का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे हम लोग देख लेते हैं तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सेवेंटी परसेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर्स टू जी डी पी ऑलमोस्ट स्टेगनेट देखने को मिला है और 1991 में भी ऐसा ही कुछ था ठीक है और इम्प्रूवमेंट ऑन एग्रीकल्चर सेवरल इम्प्रूवमेंट ऑन सेवरल इंटरनेशनली रिपोर्टेड इन इंडस्टिस का अगर हम बात करते हैं तो लाइक ग्लोबल कम्पिटेटिव इंडेक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और ये जो है बेसिकली इसमें इस इंडेक्स से यही पता चलता है ठीक है कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ये सारा रिपोर्ट में नाइन इंडियन कंपनीज जो है ये एक फीचर हैं इन फॉर्चून फाइव लिस्ट में ये आते हैं ठीक है तो गवर्नमेंट जो है ये अप्रूव किया है डेवलपमेंट ऑफ द इलेवन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद द थर्टी टू प्रोजेक्ट इन फोर फेजेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम लोग कुछ देख लें तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इंडिया कंट्रीब्यूट करता है थ्री पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द कंट्रीज सी डी पी और इंडिया का अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये बेसिकली इंक्रीज़ हुआ है ट्वेंटी नाइन बिलियन से ठीक है जो कि इतना था और ये इंक्रीज़ हुआ है एटी सेवन बिलियन तक अभी ये ट्वेंटी 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 वन के अकॉर्डिंग इंडिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट साइज जो है ये 73.7 परसेंट तक पहुंच गया है इंडिया एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो है ये बेसिकली हाई हुआ है और uh, 88 परसेंट से देखने को मिला है और यू एस का बात करते हैं तो लार्जेस्ट इम्पोर्ट ऑफ द इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है ठीक है उसके बाद यू चाइना नीदरलैंड जर्मनी इंडिया का एम है कि थ्री uh, बिलियन तक uh, इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग में पहुँचना ठीक है और साथ ही साथ वन ट्वेंटी बिलियंस इन एक्सपोर्ट सेक्टर में ठीक है तो ये फाइनेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक सर्विस सेक्टर्स में हम लोग देख लें तो ई कॉमर्स सेक्टर में इंडिया का जो है एट्थ रैंक है ई e कॉमर्स मार्केट ग्लोबलेट ही ग्लोबली में ठीक है Uh, ये सनराइज़ सेक्टर्स में अगर हम बात करते हैं तो टेन से फिफ्टीन परसेंट शेयर्स देखने को मिलते हैं इंडिया का रिटेल मार्केट में और साथ ही साथ फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स बिलियन यूएस डॉलर जो है ये जनरेट किया जाता है बाय द इंडस्ट्री इन इतना जो कि एक्सपेक्टेशन है कि ट्वेंटी थर्टी तक थ्री फिफ्टी बिलियन तक पहुँच जाए इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपर है और जो कि वन फोर्टी मिलियंस का ठीक है ये ट्वेंटी के अकॉर्डिंग टेन मिलियंस इंटरनेट यूजर्स जो है ये एडेड हुए हैं ये मंथली ठीक है जो कि इन इंटरनेट और स्मार्टफोन फेड्रेशन में भी इंक्रीजमेंट इंक्रीमेंट देखने को मिला है टेलीकॉम सेक्टर में बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर्स है पूरे वर्ल्ड में और 66 करोड़ कनेक्शन जो अर्बन इंडियाज में देखने को मिलता है जबकि 53 परसेंट रूरल इंडिया में देखने को मिलता है इंडिया जो है अभी सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर ग्लोबली देखने को मिलता है तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर है ठीक है वन ऑफ़ द लार्जेस्ट सेक्टर्स जो है ये एफ डी इनफ्लो में देखने को मिलता है मतलब इंटरनेट और सर्विस सेक्टर्स में ये सबसे ज़्यादा है और जिसमें कि कंट्रीब्यूट करता है सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल एफ डी आई इनफ्लो सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्टली टू द टू पॉइंट टू मिलियन इम्प्लॉयमेंट एंड इनडायरेक्टली वन पॉइंट एट ठीक है तो ये समझ सकते हो टूरिज़्म सेक्टर्स हम लोग बात कर लेते हैं तो थर्टी नाइन रैंक है आउट ऑफ वन सेवेंटीन कंट्रीज इन ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है ये भी समझ सकते हो ये मोस्ट इंपोटेंट है मतलब इंडिया का रैंक थर्टी नाइन थे ठीक है वन सेवेंटीन एक सौ सत्रह में अब है कि एन सी ए आर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ठीक है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च कि टूरिज़्म इंडिया में देखने को है जो वो रिटर्न टू तो पेंडेमिक लेवल है ये इतना तक पहुंच जैसे पेंडेमिक से पहले तो बहुत सारा आता था ठीक है टूरिज़्म यहाँ पे लेकिन अभी भी ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 2026 तक भी शायद पहुँच जाए ना पहुँचे ठीक है इन 2019 में हम लोग देखें 1920 के अकॉर्डिंग तो द सेक्टर्स कंट्रीब्यूट फिफ्टी फाइव पॉइंट वन नाइन परसेंट हो गया टोटल जीडीपी तो ये टूरिज्म सेक्टर का फाइव पॉइंट वन नाइन परसेंट इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिला टूरिज्म सेक्टर जो है ये थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंजर अर्नर है ठीक है ये टू तक इंडिया का जो सेवेंथ रैंक है इसमें देखने को मिलता है और ये ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस में हम लोग देख लेते हैं इंडिया जो है ये हेल्थ प्रोजेक्ट गैप Uh, इसमें देखने को सेवेंटी थ्री परसेंट है ठीक है और नंबर ऑफ इंश्योर फार्मर्स डिक्लाइन किए हैं सिक्स पॉइंट वन करोड़ से फाइव पॉइंट टू करोड़ ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में और ये नाइन्टी वन डॉलर का हम लोग बात करते हैं तो इंडिया का ओवरऑल इंश्योरेंस डेंसिटी है ये पता चलता है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है ये टेंथ लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है पूरे वर्ल्ड में फोटी टू परसेंट जो है इंडिया ओवरऑल इंश्योरेंस पे न्यूट्रिशन ये फाइनेंशियर ट्वेंटी वन में देखने को मिलता है गेमिंग सेक्टर में बात करते हैं इंडिया में तो फाइव सिक्सटी मिलियंस यूजर जो है इंडिया में ऑफिशियली अगर लार्जेस्ट गेमिंग मार्केट है ठीक है और ये अकाउंट करता है फॉर एवरी वन इन फाइव ऑनलाइन गेमर समझ सकते हो पाँच में एक जो है ऑनलाइन गेमर है ग्लोबली तो इंडिया में मतलब समझ सकते हो कि कितना इसका ये गेमिंग सेक्टर में आगे है इंडिया गेमिंग मार्केट जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिक्स बिलियन चला जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी एट तक और नंबर ऑफ इंडियन गेमिंग कंपनीज़ जो है ये ट्वेंटी फाइव इन टू थाउजेंड फिफ्टीन से ओवर चौदह सौ हो गए हैं ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग कुछ देख लेते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर में तो यहाँ पे है कि इंडियाज लॉजिस्टिक कोस्ट जो है ये वर्क करता है टू बी द रेंज ये इसकी इसी के सेवन पॉइंट एट से आठ पॉइंट नौ परसेंट ऑफ़ द जीडीपी के बीच में ही वर्क कर रहा है ठीक है और इंडिया का रैंक देखा जाए तो थर्टी एट थर्टी एट है ठीक है ये वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ठीक है जो कि इम्प्रूव हुआ है बेसिकली ये फोर्टी फोर था पहले टू थाउजेंड एटीन में गवर्नमेंट्स जो है गवर्नमेंट जो है ये प्लान किए हैं थर्टी फाइव मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए ठीक है 35, जो कि इसका इसमें सिक्स पॉइंट टू बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है नेशनल रेल प्लान जो है ये इसमें देखा जा रहा है तो फ्रिट फ्रिट कॉरिडोर या फिर फ्रिट ट्रैफिक का बात करते हैं तो इसमें बेसिकली और ऊपर जाने का बात किया जा रहा है कि ट्वेंटी सेवन परसेंट से 45 फाइव परसेंट तक ट्वेंटी थर्टी तक जा सकता है ठीक है अब रोडवेज़ में हम लोग देख लें तो रेलवेज और लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक में था रोडवेज में हम लोग देख लें तो इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में जो कि सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मिलियंस किलोमीटर का है इसका ट्रे रोड ट्रांसपोर्ट uh, ये कैरीज अप्रोक्स एटी सेवन परसेंट ऑफ़ द इंडियाज़ टोटल पैसेंजर्स ट्रैफिक ठीक है ये केवल रोड से इतना ट्रेवल करते हैं और मोर देन सिक्सटी परसेंट इट्स फ्री ठीक है तो इसमें फ्लड का इतना रोल है टू पॉइंट टू परसेंट ऑफ द कंट्रीज टोटल रोड नेटवर्क जो है ये नेशनल हाईवे से जाता है ठीक है जो कि कवर करता है अप्रोक्स फोर्टी परसेंट ऑफ द रोड ट्रैफिक का और इंडिया जो है ये वन परसेंट ऑफ द टोटल व्हीकल्स पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि अकाउंट करता है अबाउट इलेवन परसेंट ऑफ द रोड क्रैसेज एंड फेडलिटीज कॉस्ट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ जे डी पी मतलब एक्सीडेंट भी एक हाई अमाउंट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है ठीक है इंडियाज इंडियन रेलवे में हम लोग देख लेते हैं तो इंडिया का जो रैंकिंग है ये फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में ठीक है तो ये ऐसा पूछा जाता है ठीक है कि इंडिया कौन से रैंक में है तो ये फोर्थ लार्जेस्ट है वो सबसे पहले है यू एस रशिया चाइना उसके बाद ये यहाँ से फोर्थ लार्जेस्ट देखने को मिलता है उसी तरह से है इंडिया रेलवे कंसिस्ट ऑफ द तो टोटल ट्रैक लेंथ ऑफ वन पॉइंट ठीक है तो इतना रेलवे का एक ट्रैक देखने को मिलता है ठीक है इसमें और डेली पैसेंजर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं ट्वेंटी फोर मिलियंस पैसेंजर्स एंड टू जीरो फोर मिलियंस टनस ऑफ फ्रीट तो आप समझ सकते हो वैसे भी हम लोग स्टेशन जाते हैं तो पता चलता है कितने लोग हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं तो ये डेली का है फर्स्ट एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली इसमें बात करते हैं तो पैसेंजर एंड फ्रीट ट्रांसपोर्ट ग्लोबली तो पैसेंजर में फर्स्ट रैंक में है एंड फ्रीट में फोर्थ रैंक पे है इंडियन रेलवे जो है ये सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया है ठीक है जो कि वन पॉइंट थ्री मिलियंस पीपल को ये कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में ये जॉब प्रोवाइड करता है पोर्ट सेक्टर का बात करते हैं तो टर्न अराउंड टाइम्स इसका है एक्रॉस इंडियन पोर्ट ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है ठीक है ये नाइन्टी फोर आवर से बेसिकली uh, ये नाइन्टी फोर आवर ये फाइनेंशियली थर्टीन टू में था जो कि फिफ्टी टू आवर हो गया है और कंसिस्टेंट राइज इन कंटेनर ट्रैफिक जो कि थर्टीन फोटीन में फाइव फाइव मिलियन था फाइव 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 ठीक है जो कि सेवन नाइन सिक्स मिलियन हो गया है कार्गो हैंडलिंग में भी देखा जा रहा है तो मेजर पोर्ट जो है स्टेडली इंक्रीज़ हुए हैं जो कि एक अच्छी बात है एंड टेन परसेंट इंक्रीज़ हुए हैं लास्ट टेन लास्ट ईयर में ठीक है ऑपरेस ऑपरेटिंग रेशियो का बात करते हैं तो ये डाउन हुआ है फोटी एट परसेंट से ठीक है जो कि फिफ्टी थ्री इतना था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में सिविल एविएशन में हम लोग देख रहे हैं तो इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है ये इंपॉर्टेंट है जो कि यूएसए एंड चाइना के बाद और 2009 थाउजेंड नाइन टू नाइनटीन के बाद बीच का बात करते हैं तो इंडिया कंट्रीब्यूट करता, तो तो करता है फाइव पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द ग्लोबल ग्रोइंग पैसेंजर्स ट्रैफिक थ्रू सिविल एविएशन ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री में हम लोग बात करते हैं तो ये कंट्रीब्यूट करता है थर्टी फाइव बिलियन एनुअली टू इंडियाज़ का जी एंड सेवन मिलियन जॉब्स में इंडिया का इंडिया जो है ये जंप किया है फोर्टी एथ रैंक है ओवरऑल ठीक है ये सिविल एविएशन में माइनिंग एंड एनर्जी ये हम लोग लास्ट रहेगा माइनिंग एंड एनर्जी में हम लोग देख ले तो माइनिंग सेक्टर से यह कंट्रीब्यूट करता है इंडिया जीवीए में अप्रोक्स टू परसेंट ठीक है वैल्यू एडेड में और इंडिया कंटिन्यू टू द लार्जली सेल्फ सफिसियंट इन प्राइमरी रॉ मटेरियल जो कि इसमें प्राइमरी रॉ मटेरियल में आता है बॉक्साइट क्रोमाइट आयरन एंड यहाँ से क्योंकि वो भी बात है इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिजर्व देखने को मिलते हैं अलग अलग है स्टेट्स में इंडिया इज डिफिशियंस इन कैनाइट और मैग्नेसाइट रॉक फोस्फेट मैगनीज और एक्सेट्रा तो ये यहाँ पे डिफिशेंसी है और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा साथ ही साथ इंडिया माइनिंग इंडस्ट्री जो है ये करेक्टराइज करता है लार्ज नंबर ऑफ़ द स्मॉल ऑपरेशनल माइंस और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ द मिनरल प्रोडक्शन अबाउट नाइन्टी सेवन परसेंट आता है फ्रॉम जस्ट सेवन स्टेट्स तो ओबियस है कुछ ऐसे स्टेट्स हैं लाइक झारखंड उड़ीसा उधर राजस्थान का बात कर लें तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़ तो यहाँ से ज़्यादातर मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं ओनली टेन परसेंट तो ओ जियोलॉजिक जियोलॉजिकल पोटेंशियल ठीक है ओ ये एरिया है इंडिया में अभी एक्सप्लोर हो रहा है कोल एंड ऑयल गैस सेक्टर्स में देख ले तो अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ द इंडियाज ओवरऑल एनर्जी आ, आता है कोल से ठीक है और साथ ही साथ ट्वेंटी एट परसेंट के अराउंड ओवरऑल एनर्जी ये आता है ऑयल से एंड आ, इंडिया प्रोड्यूस करता है नाइन नाइन सेवन मिलियन टनस ऑफ द कोल ये पता चल रहा है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ईयर्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट कोल सॉरी ऑयल कंज्यूमर है एंड फोट फोर पॉइंट नाइन मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है ये कंज्यूम होता है पर डे तो इतना समझ सकते हो एटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट इंडिया का अगर हम लोग ऑयल का ये जरूरी है तो फॉर फुलफिलमेंट ये इम्पोर्ट करती है ठीक है तो ये भी समझ सकते हो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी ज़्यादातर मंगाता है ओवरऑल इंडिया प्राइमरी एनर्जी डिमांड जो है एक्सपेक्टेड कर रहा है कि ये डबल हो जाएगा ठीक है नियरली डबल टू इलेवन ट्वेंटी थ्री मिलियंस टनस ठीक है ये ट्वेंटी फोर्टी तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है पावर सेक्टर्स से में हम लोग देख ले तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड थर्ड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का बात करते हैं तो फोर 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 हंड्रेड फोर्टी फोर गीगाट बाई द मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो ये चीज़ है सोलर एनर्जी कंट्रीब्यूशन 84 फोर गेगा वाट फोर्टी सिक्स गेगा वाट एंड ये फोर्टी सिक्स गेगा वाट फॉम द विंड पावर देखने को मिलता है और 84 सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी से एंड 10.9 पॉइंट नाइन फॉर द बायोमासोटी सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट फ्रॉम द हाइड्रो पावर तो uh, सबसे पहले सोलर देन हाइड्रो पावर देन विंड एंड बायोमास बारह सौ पचपन किलो वॉट और जो है इंडिया में पर कैपिटा पावर कंजप्शन देखने को मिलता है ठीक है और जबकि अगर वर्ल्ड एवरेज का बात करते हैं तो uh, थ्री थाउजेंड टू सिक्सटी किलो वाट पर आवर है ठीक है किलो वाट आवर है और एफ डी आई जो है एफ डी आई इन पावर सेक्टर्स ये रीच किया है एटीन पॉइंट सेवन विलियन डॉलर पावर डिस्काउंट का बात करते हैं तो अंडर अभी लॉस में ही देखने को मिल रहा है इनोवेशन एंड एंटरप्रीनरशिप के बारे में देख लेते हैं तो इनोवेशन में है ये फोर्टी रैंक है इमोंग वन थर्टी टू कंट्रीज में ठीक है इनोवेशन ये पता चलता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये ट्वेंटी थ्री के अकॉर्डिंग फोर्टी सेकेंड रैंक है एमोंग फिफ्टी फाइव कंट्रीज़ ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ओवर एक लाख पेटेंट्स जो है ग्रांटेड बाय द पेटेंट ऑफिस तो एक लाख पेटेंट्स देखने को मिले हैं सेवेंथ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द रेसिडेंट पेटेंटिंग पेटेंट, पेटेंट जो है ये फाइल किए हैं ये पूरे वर्ल्ड में ठीक है तो ये वीपो uh, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है ठीक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अब देख लेते हैं हम लोग इंडिया स्टिल्स अंडर परफॉर्मेंस इन इनोवेशन अभी भी अंडर परफॉर्मेंस में है विद द जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट जी ई आर डी एज कम्पेयर टू द टू पॉइंट एट परसेंट इन द यू एस ए और साथ ही साथ फोर्टी टू परसेंट जो साउथ कोरिया में देखने को मिला था अभी भी बहुत कम है स्टार्टअप्स इको सिस्टम में बात कर ले तो इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इको सिस्टम है इसका थर्ड रैंक में है पूरे वर्ल्ड में ओवर हंड्रेडिकॉन हंड्रेड प्लस यूनिकॉन्स देखने को मिलते हैं एंड नाइन्टी एट थाउजेंड स्टार्टअप अभी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में फॉर द टेक स्टार्टअप इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट इको सिस्टम है एंड फोर्टी परसेंट ऑफ द स्टार्टअप जो है ये टायर टू टायर थ्री सिटीज में देखने को मिल रहा है ओवरऑल स्टार्टअप्स जो है ये ग्रो किए हैं एंड एवरेज ग्रोथ रेट्स ऑफ 15 परसेंट्स हैं साथ ही साथ अप्रोक्सीमेटली 47 सेवन परसेंट रिकोगनाइज हैं इस स्टार्टअप्स के अंदर एटलीस्ट वन वीमेन डायरेक्टर देखने को मिलता है तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा ये आज हम लोग इसको ख़त्म किए सो so, इसी तरह से लाएंगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी कुछ फैक्ट पूछे जा सकते हैं लाइक मोस्टली ना ये टूरिज्म में क्या रैंक है इनोवेशन इंडेक्स में कितना रैंक है इंडिया का ठीक है तो